हेलो दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि सन के अंदर क्या होता है। जैसा कि सूरज एक जलता हुआ आग को बोला है, तो उसे जलने के लिए कोई ना कोई फ्यूल की आवश्यकता तो जरूरत पड़ती है। सूरज एक तारा है जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हेलियम गैस पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 74% होती है और वही हेलियम की मात्रा 25% होती है। इन गैसों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के कारण इसमें से लगातार आग की लपटें निकलती रहती हैं और इसी आग की गर्माहट और रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसे हम धूप के नाम से जानते हैं। सूरज के जन्म को लेकर बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही को सही माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी, जिसे सबसे ज्यादा सही माना गया है, उसके अनुसार ब्रह्मांड में अनंत तापमान और घनत्व की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें से लाखों तारों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक हमारा सूरज भी था। और ये धमाका लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज अपनी आधी जिंदगी गुजार चुका है और सूरज की पूरी जिंदगी 10 अरब साल बताया गया है, जिसमें से सूरज ने 4.5 अरब साल की आयु को पूरा कर लिया है। जिस दिन सूरज का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, उस दिन सूरज का अंत हो जाएगा। पिछले 4.5 अरब सालों में सूरज का लगभग आधा हाइड्रोजन जल चुका है। जब तक इसमें हाइड्रोजन है, तब तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता रहेगा।